हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। अगर आप लोग नीट 2022 की प्रिपरेशन जनवरी मंथ से करना शुरू कर रहे हैं बच्चों, तो आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट ईज पर मैंने जनवरी मंथ से फ्रेश टारगेट वीडियो अपलोड कर ली है। मेरा ये मानना है कि नीट की तैयारी करते हुए अगर आप लोग टारगेट रखते हुए प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेबस भी आप टाइम पर कवर कर पाएंगे और साथ ही टाइम मैनेजमेंट की स्किल आप बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। जिससे पहले मैं पार्शियल ड्रॉपर्स और ड्रॉपर्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करूं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर मैं आप लोगों को फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रही हूं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूं। सबसे पहले तो बच्चों, मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एट ईज पर आप लोगों के नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन करवाने के लिए 160 प्लस पीडीएफ फाइल्स अपलोडेड है। इन 160 पीडीएफ फाइल्स के अलावा आपका नीट जब तक नहीं हो जाता है और भी खूब सारी पीडीएफ फाइल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराती रहूंगी ताकि नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन आपकी खूब अच्छे से हो सके। इन पीडीएफ्स में आपके नीट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं, यूनिट वाइज नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। साथ ही कभी कभी मैं रैंडमली पोल क्रिएट करते हुए भी आप लोगों को क्वेश्चंस पूछती रहती हूं ताकि दिन भर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट ईज पर मैंने जेनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड करे हुए हैं, जहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, वो बहुत अच्छे से समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। आप मेरी उन वीडियोस को भी जरूर चेक करिएगा, आपके जेनेटिक्स वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, जहां पर नीट बायोलॉजी के जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं जो बच्चों को अक्सर याद नहीं हो पाते हैं, जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के क्या फंक्शन होते हैं, एनिमल किंगडम के जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको याद करने की ट्रिक, क्रेब साइकिल की ट्रिक, ये सारी ट्रिक वीडियोस ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट ईज पर हर 1.5-2 घंटे के गैप में मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में पोल्स के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ रही हूं, ताकि हर दिन आप लोगों के नीट बायोलॉजी सेक्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर होते रहे। इसके अलावा अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस के जरिए मैं आप लोगों का नीट बायोलॉजी सेक्शन सुपर स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज क्विजेस भी आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाऊंगी। कल रात को 9 बजे मेरी फ्री लाइव क्लास के अंडर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आप लोगों को एमसीक्यूज पूछूंगी। मेरी कल की फ्री लाइव क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बायोलॉजी एट ईज कोड यूज करते हुए मुझे रात को 9 बजे जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से पार्शियल ड्रॉपर्स एंड कंप्लीट ड्रॉपर्स अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाएं। मैं मानती हूं कि कॉलेज की क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ नीट की तैयारी करना डिफिकल्ट टास्क है, टफ टास्क है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि कुछ और कोर्स ज्वाइन करते हुए नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो उस फैसले के रिस्पेक्ट करते हुए नीट की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि जितना टाइम आप ये सोचने में बर्बाद करेंगे कि यार नीट की प्रिपरेशन करूं या ना करूं, या फिर सिर्फ उसी कोर्स पर ध्यान देता रहूं जो मैं अभी कर रहा हूं, तो फिर आप टाइम ही वेस्ट कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप एकदम क्लियर हो जाइए कि सच में नीट की प्रिपरेशन करनी भी है या फिर नहीं। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि कॉलेज के साथ साथ नीट की तैयारी भी करनी है, तो आप इन चीजों पर ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज बच्चों, वीकली टारगेट्स आप लोग जरूर रखें। मैंने जनवरी मंथ की फ्रेश टारगेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है, एक बार उस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको लगता है कि उन टारगेट्स में मैंने जो चैप्टर्स आपको प्रोवाइड कराए हैं वो चैप्टर्स आप लोग इस महीने कर सकते हैं, तो उन चैप्टर्स को फॉलो करिए। अदरवाइज अपना खुद का वीकली टारगेट बनाइए। आपको पता होगा कि इस हफ्ते आपके कॉलेज में क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल्स चलेंगे, इंटर्नल्स चलेंगे, एक्सटर्नल्स चलेंगे, या फिर आपको फ्री टाइम मिलेगा नीट की तैयारी के लिए। उसके अकॉर्डिंग अपना वीकली प्लान बनाइए और अपने वीकली प्लान में कोशिश करिए कि सबसे पहले आप लोग इजी चैप्टर्स कवर कर ले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे कि हाँ मेरा इतना पोर्शन नीट की तैयारी के लिए प्रिपेयर हो रहा है। दूसरी चीज, चाहे पूरा दिन भर कितना भी हेक्टिक चला जाए, लेकिन मिनिमम 3 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी फॉर नीट प्रिपरेशन मस्ट है आप सभी के लिए। कभी कभी मान सकती हूँ कि ठीक है कॉलेज में कुछ फंक्शन था या फिर आपकी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से आप नीट की तैयारी नहीं कर पाए, उन सब दिनों में हम तैयारी एक्सक्यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑल टाइम कोशिश करो कि मिनिमम 3 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे सुबह जल्दी उठ जाओ या फिर रात को देर तक उठकर पढ़ो, लेकिन मिनिमम 3 आवर्स सेल्फ स्टडी आप लोगों के रूटीन में होना चाहिए। तीसरा, खुद को जरा ट्रैक पर रखने के लिए, ताकि नीट की तैयारी बनी रहे, या तो आप सेल्फ स्टडी के जरिए डिसिप्लिन वे में तैयारी करो। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप उन लोगों में से है जिसे उस डंडे की जरूरत पड़ती है, उस पुश की जरूरत पड़ती है कि तुझे पढ़ना है, नीट क्रैक करना है, खुद से आपसे नहीं हो पाता, तो प्लीज कोचिंग ज्वाइन कर ले, या तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें या फिर ऑनलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले। लेकिन अगर आपको डिसिप्लिन वे में पढ़ना है, तो टारगेट्स रखते हुए, टाइम टू टाइम खुद को इवैल्यूएट करते हुए, टेस्ट देते हुए आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। अनअकैडमी पर एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, जिसके अंडर 3 जनवरी तक अगर आप लोग बायोलॉजी एट ईज कोड यूज करते हुए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन
लेते हैं तो आप लोगों को 22% डिस्काउंट मिलेगा। अभी तक आप लोगों को सिर्फ 10% डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन 3 जनवरी तक एक न्यू ईयर स्पेशल ऑफर है कि आप लोगों को 22% डिस्काउंट मिलेगा ऑन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। 5 जनवरी से अन अकेडमी पर नीट टॉपर्स बैच नाम से एक बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन लेने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर बैच को ही ज्वाइन कर पाएंगे। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, उस पूरे ड्यूरेशन में जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे, जितनी भी टेस्ट सीरीज आएंगी, आप सबको देख सकते हैं। तो बायोलॉजी एट ईस कोड यूज करते हुए अनअकैडमी के 22% डिस्काउंट स्पेशल ऑफर का आप लोग फायदा उठा सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। नेक्स्ट चीज बच्चों, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। जैसे ही आप लोगों की एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है, उस यूनिट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। इन क्वेश्चंस में प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस भी जरूर इंक्लूड करिएगा। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप लोग मॉक टेस्ट भी जरूर दीजिएगा। देखो, पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर पाए, क्योंकि उन्हें अपने कॉलेज के एग्जाम की भी तैयारी करनी होती है। आप सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागना, लेकिन एक मिनिमम टारगेट तो रख देना कि यार नीट का मिनिमम 70% सिलेबस तो मैं कर ही लूंगा, या फिर 80% सिलेबस तो मुझे करना ही करना है। एक मिनिमम टारगेट लेते हुए चलो कि इस मंथ तक मेरा इतना परसेंट सिलेबस तो हो जाना चाहिए। लास्ट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके खुद को मोटिवेट करते रहो। कोई बाहर से बार बार मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए नहीं आएगा। आपका डिसीजन था कि आपको कॉलेज के साथ नीट की तैयारी करनी है, अब उस डिसीजन पे डटे रहो और नीट की प्रिपरेशन करते रहो। बात आती है कंप्लीट ड्रॉपर स्टूडेंट्स की। अक्सर आप लोगों ने YouTube पर ऐसी वीडियोस देखी होगी ना, स्टोरी फ्रॉम नीट ड्रॉपर टू टॉपर। मैंने भी ऐसी वीडियोस काफी अपलोड करी हैं। ऐसी वीडियोस देखने के बाद एक दो दिन तक तो काफी मोटिवेटेड फील करते हो, ऐसा लगता है कि भाई अब तो मुझे नीट क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 3-4 दिन बाद कहानी एकदम फुस, समझ ही नहीं आता है कहाँ से शुरू करूँ। वापस से ऐसा लगता है कि कोई और मोटिवेशन दे दो, कोई और मोटिवेशन की टॉनिक प्रोवाइड करा दो, तब जाकर प्रिपरेशन होगी। बार बार आपको ये रियलाइज करवाने कोई नहीं आएगा कि आपने साल के पूरे 365 दिन नीट की तैयारी के लिए लगा लिए हैं। कोई और बताने नहीं आएगा कि हर एक दिन आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज के करीब ले जा सकता है। तो सबसे पहली चीज, खुद को मोटिवेट करने का काम आपका खुद का है। आउटर रिसोर्सेज के भरोसे बिल्कुल मत रहो पूरे प्रेपरेटरी फेज में। दूसरी चीज, आप लोग पार्शियल ड्रॉपर्स की तरह ये नहीं समझोगे कि मुझे मिनिमम 70% सिलेबस तो करना ही करना है, या फिर 60% सिलेबस तो करना ही करना है। आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, क्योंकि आपने पूरा साल भर सिर्फ और सिर्फ नीट की प्रेपरेशन के लिए ही लिया है। जो भी रीजन था जिसकी वजह से आपने नीट के लिए कंप्लीट ड्रॉप लिया है, अब ड्रॉप ले लिया है तो हर एक सेकेंड नीट की तैयारी को ही दो। बाकी चीजें आपकी सेकेंड प्रायोरिटीज में आनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी नीट क्रैक करना ही होना चाहिए। सबसे पहले एनालाइज योर मिस्टेक्स, देखो कि पिछले साल क्या रह गया जिसकी वजह से नीट का वो टारगेट स्कोर आप अचीव नहीं कर पाए। उन्हीं चीजों पर आपको फोकस करना है और उन्हीं चीजों पर इंप्रूवमेंट लाके इस साल आपको आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो आपको सिलेबस पूरा करने पर फोकस करना है। 60% 70% सिलेबस के भरोसे आप नहीं रहेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को करना है। पार्शियल ड्रॉपर्स की तरह मिनिमम 3 आवर्स स्टडी से काम नहीं चलेगा बंधु, आप लोगों को 8 आवर्स एवरी डे टू नीट प्रिपरेशन का टारगेट आपको रखना ही रखना होगा। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप लोग भी करेंगे, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट आप लोग भी देंगे। जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि 3 घंटे में आप लोग क्वेश्चन टाइम पर सॉल्व कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं। लास्ट चीज ये कहूंगी कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ऐसे ही थॉट नहीं बना है, फॉलो भी करो उसको। फॉलो करोगे तो ड्रीम मेडिकल कॉलेज आपको जरूर मिलेगा बच्चों। तो चाहे आप पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट हो या कंप्लीट ड्रॉपर स्टूडेंट हो, ड्रॉपर का टैग हटाओ, टॉपर बन के दिखाओ। और वो कैसे होगा, जब आप डेडिकेटेड रहोगे, डिसिप्लिन वे में तैयारी करोगे, टारगेट रखते हुए प्रेपरेशन करोगे, खुद को मोटिवेट करते रहोगे, नेगेटिव लोगों से खुद को दूर रखोगे, तो आपको आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज जरूर मिलेगा। अपना टारगेट स्कोर मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वॉट इज योर टारगेट स्कोर फॉर नीट 2022? माई टारगेट स्कोर फॉर नीट 2022 इज 680. My target score for NEET 2022 is 700. My target score for NEET 2022 is 720. जो भी आपका टारगेट स्कोर है, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, मेक श्योर यू द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।